आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे, मीनिंग के बाद हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस एंड देन फर्दर लास्ट में इसका प्रोसेस। हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ इट्स डेफिनेशन, देन मीनिंग, देन सिग्निफिकेंस एंड लास्ट में बात करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ MBO। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पीटर एफ ट्रकर ने इवॉल्व किया था। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में पीटर एफ ट्रकर ने बोला था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि जब मैनेजर खुद की डेवलपमेंट करें और जो उसके खुद के गोल्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ इंटीग्रेट कर दें, ताकि मेरा अल्टीमेटली दोनों के ग्रोथ एक ही साथ डायरेक्ट हो, जिससे कि मेरे को मैक्सिमम मिले, वो मेरा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कहलाता है। सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। SK चक्रवर्ती ने ये डेफिनेशन दी थी MBA लिख दिया, ये MBO है। MBO is a result-oriented, result-centered, non-specialist operational managerial process for the effective utilization of the material, physical and human resources of the organization by integrating the individual with the organization and the organization with the environment. आसान शब्दों में जो भी मेरे organization के goals वगैरह हैं वो मेरे डिपार्टमेंट के साथ मैच करने चाहिए, डिपार्टमेंट वाले मेरे इंडिविजुअल से करने चाहिए। जब सबके गोल्स साथ में इंटीग्रेट कर जाएंगे तो सारे एक ही डायरेक्शन में वर्क करेंगे, एंड जब सबके सब एक डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे तो मेरे पास मैक्सिमम आउटपुट आएगा, एंड उस मैक्सिमम आउटपुट के कारण मैं बेस्ट रिजल्ट्स अचीव कर पाऊँगा। अब इसका जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन समझ ली, डेफिनेशन के बाद इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। अब सिग्निफिकेंस देखो काफ़ी हद तक खुद से भी क्लियर हो जाता है कि सिग्निफिकेंस क्या है, बट फिर भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, प्रोवाइड्स क्लियर एंड मेजरेबल परफॉर्मेंस गोल्स। क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट सब एक ही गोल्स की तरफ कर रहे हैं, तो मैं इजीली अपने गोल्स को देख पा रहा हूँ एंड उनको अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मेजर भी कर पा रहा हूँ। बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, जिससे कि मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे। इम्पार्शियल अप्रेजल। अब इम्पार्शियल अप्रेजल क्यों है? क्योंकि जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है वो वेरीफाई करी जा सकती है, एंड क्योंकि वेरीफिकेशन हो रहा है तो इम्पार्शियल डिसीजंस होंगे बोनसेस वगैरह में। एंड क्योंकि मेरी सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है, स्मूथली चल रही है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है, कोऑर्डिनेशन है, इम्पार्शियल अप्रेजल्स मिल रहे हैं, तो अल्टीमेटली मेरे जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो मोटिवेट होके काम करेंगे। इसके बाद हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है प्रोसेस ऑफ MBO। एक एक करके समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला, गोल सेटिंग। भाई जो भी मैं इंटीग्रेशन की पहले बात करता हूँ, सबसे पहले मेरे को गोल तो सेट करने ही पड़ेंगे। गोल सेट करने के इसमें तीन स्टेजेस पे करे जाते हैं, क्योंकि मेरे तीन लेवल्स हैं तो तीन स्टेजेस पे करेंगे। सबसे पहला टॉप स्टेज, ओवरऑल मेरा कोऑपरेटिव के क्या ऑब्जेक्टिव्स है। इसमें जनरली हम जो भी मेरे जनरल ऑब्जेक्टिव रहते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, उनको डिफाइन कर देते हैं, जिसमें अल्टीमेटली मेरे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल भी इंश्योर करना है, साथ ही साथ ग्रोथ भी करनी है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इसके अंदर कॉरपोरेट अपने एनालिसिस करता है इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, एंड आइडेंटिफिकेशन करता है की एरियाज़ की। उसके बाद आते हैं हम लोगों के यूनिट ऑब्जेक्टिव्स या डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि मैंने पीछे बताया था स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वगैरह के टाइम पे अपनी लास्ट वीडियोस में, वैसे ही इसमें एक बार जब मेरे कॉरपोरेट के सेट हो गए तो मेरे को डिपार्टमेंट वाइज भी अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे, जो अल्टीमेटली मेरे जो फर्दर डिज़ायर्ड पोजिशन है जो मेरा कॉरपोरेट चाहता है उसके हिसाब से लेकर आए। ये गोल्स मैं ऐसे बनाऊँगा जो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल कॉरपोरेटिव ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। एंड लास्ट, जब मैं डिपार्टमेंटल कर लेता हूँ उसके बाद मैं इंडिविजुअल टारगेट्स भी इस्टेब्लिश करूँगा, परफॉर्मेंस टारगेट
मेरे इम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कि मैं उनसे कितना एक्सपेक्ट करता हूँ वो मैं सेट कर लूँगा। इसके बाद जब मैंने गोल सेटिंग कर ली, गोल सेटिंग के बाद मैं सेकेंड स्टेज पे जाऊँगा, दैट इज़ डेवलपिंग एक्शन प्लान्स। डेवलपिंग एक्शन प्लान्स में जब मैंने गोल सेट कर लिए तो मैं प्लान बनाऊँगा कि कैसे मैं उन गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। भाई मे बी ऑर्गेनाइजेशन ने ये तो डिसाइड कर लिया कि मेरे को विद इन 5 मंथ्स जो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको 10% लो लेके आना है, या फिर मेरी प्रोडक्शन को 20% अप लेके जाना है। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद, गोल सेट करने के बाद मेरे को एक्शन प्लान भी तो बनाना पड़ेगा, तो मैं वो बनाऊंगा। प्लान बनाने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने की बात ही आती है, तो थर्ड स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंटिंग प्लान्स। जैसा मैंने प्लान आउट किया था डेवलपमेंट के टाइम, अब मैं उन्हें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दूंगा, प्लान इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद फर्दर इम्प्लीमेंटेशन के बाद टाइम टू टाइम मैं रिव्यू करूँगा परफॉर्मेंस का, जिसमें मैं इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस भी देखूँगा, डिपार्टमेंटल की भी देख रहा हूँ, एंड मैं ओवरऑल भी देख रहा हूँ। एंड डिपेंडिंग अपॉन दीज परफॉर्मेंसेज मैं लास्ट में अप्रेजल्स बांटूँगा, अप्रेजिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो ये था अबाउट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।